बैक टू माई चैनल, दिस इज़ फैशन योर चेतना। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ फोटो सेशन, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे हमारे घर का कैमरा जो कि DSLR हमारे पास में है, और वीडियो के लिए मेरा मोबाइल और कुछ घर के ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और काउच, कुछ चीज़ें यूज़ करके हम आज फोटोग्राफी करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आप कैसे घर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो यूजिंग योर कैमरा, यूजिंग योर फ़ोन और घर के इक्विपमेंट के साथ में आप बहुत अच्छे तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो। सो अभी कम्प्लीटली बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, सो ऐसे छोटे छोटे हैक्स हैं फैशन से रिलेटेड एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड, सो वो मैं लेकर आई हूँ। सो आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि अगर आप कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हो, घर में अपने तरीके से फोटोग्राफी करके एंजॉय कर सकते हो अपने वेकेशन को। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं उल्टा लेट के पोज देने वाली हूँ। नेक्स्ट हम ये फ्लावर पॉट के कुछ फ्लावर्स यूज करने वाले हैं, इनको हम अपने कैमरे के लेंस पर इस टाइप से लगाएंगे और फिर मैं फोटो क्लिक करेंगे, तो कैसे आते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिया है स्नो ऐप से। सो आप देख सकते हो नॉर्मल फोटो में मैंने थोड़े से इफेक्ट एंड फिल्टर्स देके अपनी फोटो को और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। सो आप यहाँ पे स्नो ऐप यूज़ करके जैसे चाहो वैसे इफेक्ट लगा सकते हो अपनी फ़ोटोज़ के अंदर। यहाँ पे जो हमने फ्लावर्स यूज़ करे थे उसकी लीव्स से कितने अच्छे इफेक्ट आए हैं, फ्लावर्स एंड लीव्स का कॉम्बिनेशन मिलके कितने अच्छे इफेक्ट एंड फ़ोटोज़ आए हैं आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ के लिए मेरा ये आउटफिट है, इसमें मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट, नेक पीस एंड लेवेंडर कलर की जीन्स वेयर करी है। सो अब हम ट्राई करेंगे कि जो क्लाउड है और स्काई है वो आ सके हमारी फोटो के अंदर। सो ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल है। सो कैसा आता है फोटो अब वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मेहनत लगती है यार ड्रेस वेयर करके फोटो लेना। सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आता है मेरा फोटो। सो यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी कि जो ट्राईपॉड सेट किया था वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया था, इस वजह से कैमरे में मेरा ऊपर का हेड जो है वो कट रहा है। सो डोंट माइंड गाइस, हो जाती है ऐसी गलती कभी कभी, और मैं हाइट पे खड़ी थी थोड़ी सी, तो ऑब्वियसली गलती हो गई मुझसे। सो इट्स ओके, बट आप देख सकते हैं मैं किस टाइप से पोज दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ट्रस्ट मी गाइस, पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी आई है आफ्टर एडिटिंग।
तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरी फ़ोटोज़ कितनी प्यारी आई है, मतलब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इसमें लिटिल बिट एडिटिंग करी है और एडिटिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने स्नो ऐप यूज़ करी है, तो उसमें आप जैसा चाहे वैसा फ़िल्टर अटैच कर सकते हो, इफ़ेक्ट दे सकते हो, तो आपकी फ़ोटो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। सो लास्ट वाले के लिए हमने अपने डोर पर एक बेडशीट लगाई है और फ्लावर्स के साथ में, और मैंने नॉर्मल सा टॉप पहन के आगे फ्लावर लगा के अपनी पिक्चर्स ली हैं। सो आफ्टर एडिटिंग पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई है और अगेन मैंने स्नो ऐप से इनको एडिटिंग इफ़ेक्ट दे दिया है, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं। जैसा कि आपने देखा कि कितनी मेहनत से मैंने सिर्फ यहाँ पे तीन ही फोटोग्राफी आपको बताई है, तीन या चार फोटोग्राफी बताई है। सो बहुत मेहनत लगती है, लाइक एंगल सेट करना पड़ता है कैमरे का, वीडियो का मोबाइल एंड ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि आधी तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं जल जाऊँगी। सो बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया है, वो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप लोग मेरे वीडियो वॉच कर रहे हो कंटिन्यू, बट सब्सक्राइब करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज मुझे मिल रहा है। आप लोग वीडियो वॉच करते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप वीडियो वॉच कर रहे हो मीन्स आपकी लाइक या आपकी हेल्पफुल ही कुछ कंटेंट है मेरे वीडियो के अंदर, बट आप सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक डिसलाइक जो हमेशा मेरे वीडियो पे रहता है, पता नहीं वो कौन है, मेरी तो ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है, बट वो ऐसा शख्स है कि मेरी बिना वीडियो वॉच करे सबसे पहले डिसलाइक बटन प्रेस कर देता है। मतलब पता नहीं कौन है वो, मेरी किसी से ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट जो भी वो ऐसा कर रहा है, मतलब लाइक और डिसलाइक से हमको कोई अर्निंग नहीं होती है। लाइक एंड डिसलाइक इसलिए होता है कि हमको एक मोटिवेशन मिले कि हमारा वर्क आपको कैसा लग रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो अर्निंग होती है वो हमारी एडवर्टाइजिंग से होती है। सो लाइक्स करने से, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वर्क आपको पसंद आ रहा है, हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो कॉन्टेंट हम आपको दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, दैट्स इट। सो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इन्जॉय कर रहे हो तो जैसा कि अप्रिशिएट बनता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज़। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।